नमस्कार, मैं हूं संदीप राजगुरु। वो शख्स जिसने भारतीय क्रिकेट को एक नई दिशा दी, वो शख्स जिसने युवा टैलेंट को भरोसा दिया कि आप भी जबरदस्त खेल सकते हैं, सुपरस्टार बन सकते हैं, वो शख्स जिसने भारतीय क्रिकेट और भारतीय खिलाड़ियों और भारतीय फैंस को, जो हमारे साथ यहां पर बैठे हैं, उनको यह विश्वास दिया कि हम किसी से कम नहीं, वो शख्स है सौरव गांगुली। एक नई पारी की शुरुआत इंडिया टीवी क्रिकेट की बात के साथ, एक स्टॉप स्टेशन हर क्रिकेट प्रेमी के लिए हर रोज। जबरदस्त तालियों के साथ स्वागत करें सौरव गांगुली और उनकी नई पारी दादागिरी के साथ। दादा को स्वागत करें स्टूडियो में। स्वागत है दादा इस सबसे मजेदार बात यह है कि आपके साथ अब मजा आएगा दादागिरी करने में। और जिस अंदाज में, जैसा मैंने कहा कि आपने हम सबको ये विश्वास दिया आपकी कप्तानी में कि हम किसी से कम नहीं, आप इस सबसे पहले यही एक प्रतिक्रिया आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप इस नई पारी जो शुरुआत कर रहे हैं इंडिया टीवी के साथ, उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे बहुत खुशी है इंडिया टीवी के साथ जुड़ने के लिए, और जो हमारे दर्शक हैं वो हमारा शो देखेंगे, हमारे साथ वीरू भी जुड़ेगा, वीरेंद्र सहवाग, और हम दोनों आपके साथ और आपके पास लेके आएंगे क्रिकेट की हर सोच, भारत कैसे खेलेगा इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, वर्ल्ड कप में, क्योंकि बहुत सारी क्रिकेट पिछला अगला एक साल में है भारत के लिए। और जैसा समीप ने कहा, ऐसा एक टीम जो पूरी दुनिया को टक्कर दे रहा है आज अपने घर में और बाहर में भी, जो सबसे सबसे क्रूशियल चीज़ है भारतीय क्रिकेट के लिए, भारत के बाहर जाके अच्छे खेलते हैं और उसका सब न्यूज़, सब खबर, सब एनालिसिस हम लेके आएंगे इंडिया टीवी के साथ आपके लिए। जी, एक जबरदस्त शुरुआत के साथ आज हम सौरव गांगुली हमारे साथ हैं। और दादा, अगर बात करें इंग्लैंड दौरे से शुरुआत होने वाली है और जिस तरीके से आपने जो विश्वास आपने टीम इंडिया को दिया, जो हम दादागिरी कहते हैं, जो आपने टीम इंडिया को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश के बाहर जाकर जीतने का विश्वास दिलाया, उस दादागिरी को अब आगे लेकर जा रहे हैं, एक दूसरे अगले स्तर पर ले गए हैं, जिनका नाम है विराट कोहली। ये लेगेसी आपकी जो आगे लेके जा रहे हैं वो विराट कोहली, उस बारे में क्या कहें? बिल्कुल बिल्कुल, और मैं पहले भी कह चुका हूँ, जब विराट कोहली को देखता हूँ क्रिकेट खेलते हुए, भारत की कप्तानी करते हुए, तो आपको लगता है कि नहीं, इस टीम में वो दम है, वो लड़ते हैं ग्राउंड पे। मेरा क्रिकेट का शुरुआत, टेस्ट क्रिकेट का शुरुआत हुआ था इंग्लैंड में 1996 पे, जब पहला टेस्ट लॉर्ड्स में मैंने शतक लगाया था और दूसरा टेस्ट ट्रेंडब्रिज में भी शतक लगाया था, तो वो जगह मेरे लिए थोड़ा सा इमोशनल है। और फिर 2002 में गए कप्तान के तौर, नेटवेस्ट ट्रॉफी जीते, 2007 में गए टेस्ट सीरीज जीते पहली बार 25 साल में, तो उस देश के साथ बहुत अच्छी यादें जुड़े हुई है मेरे। और इस बार जब भारत जाएंगे, 2011 में गए, 2015 में गए, दोनों बार जीत नहीं पाए और बहुत ख़राब तरीके से हारे हैं, 4-1, 3-1 भारत ने हारा, लेकिन इस टीम में मैं समझता हूँ वो काबिलियत है कि ये सीरीज़ जीतना। और ये हम नहीं कह रहे कि टीवी में बोलना पड़ता है इसलिए, ये हम नहीं कह रहे कि अपने टीम को सपोर्ट करना है इसलिए, ये एक रियलिस्टिक व्यू है। जब मैन टू मैन आप देखते हैं और जब अपनी बॉलिंग अटैक देखते हैं, तो आपको लगता है नहीं, इस टीम के पास 20 विकेट लेने का वो काबिलियत है, जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट होगा, रन्स कितने बनाते हैं बोर्ड पे। अनिल कुंबले हमेशा बोलता था कि जब मैं कैप्टन था, कि आप मुझे 500 रन दो बोर्ड पे, हम आपको टेस्ट मैच जिता के देंगे। और विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, मुरली विजय, केएल राहुल, इन सबको एक चीज़ अपने में बैठ के सोचना पड़ेगा कि कैसे हम 450 रन बनाए। अब जा रहे हैं जुलाई में, आपसे चर्चा हो रही थी गर्म बहुत होना शुरू हुआ है तो विकेट्स अच्छे होंगे, पता नहीं इंग्लैंड कैसे विकेट्स देंगे, थोड़ा सा ग्रीन सीमर्स देंगे कि नॉर्मल विकेट्स देंगे, तो जैसे ही धूप निकलता है तो बैटिंग कंडीशंस अच्छे हो जाते हैं और स्पिनर्स गेम में आते हैं, तो उसी हिसाब से अगर 450 रन बनाते हैं इस टीम, तो ये टीम जीतेगा। पूरी विस्तार से इस पर हम बातचीत करेंगे और बात करेंगे टेस्ट मैचेस की, क्योंकि पहला टेस्ट मैच शुरू होगा 1 अगस्त को और सितंबर तक ये टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। लेकिन शुरुआत दादा की शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी, लाजवाब यादें और लाजवाब प्रदर्शन, सुनहरी यादों के साथ वहां से लौटे थे शतक पे शतक जड़कर, लेकिन एक बड़ा कड़ा इम्तिहान देने के लिए विराट कोहली वहां पर पहुंच रहे हैं और शुरुआत T20 के साथ होगी, इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 दादा, उसके बाद आपसे ODI और उसके बाद टेस्ट मैचेस की तरफ बढ़ेंगे। T20 से शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगा, किस तरीके के चांसेस आप T20 में देखते हैं टीम इंडिया के?
देखिए चांसेस है पहले क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ था सॉरी कि हम इंग्लैंड के खिलाफ नहीं जीते बड़ा अच्छा रहा है लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ नहीं जीते इंग्लैंड इंग्लैंड में बहुत अच्छा टीम है हाल ही में हम ऑस्ट्रेलिया के सामने देख के 5-0 से जीता और वही टीम जो 50 ओवर में 480 रन बनाए एक मैच में 480 रन बहुत होते हैं किसी भी टीम के साथ और इस इंग्लैंड बैटिंग लाइनअप में वो काबिलियत है कि जो सेट हो गया वो मैच निकाल के लेके जाते हैं बेस्टो हो जेसन रॉय हो मॉर्गन हो उसके बाद हेल्स आते हैं रूट थोड़ा सा उनमें से जो रोटेट करने को देखते हैं बाकी लेकिन बाकी जो खिलाड़ी हैं वो शतक बनाते हैं 65 बॉल में 70 बॉल में जो मैच बिल्कुल आपके हाथ से लेके जाता है। भारत का T20 रिकॉर्ड इंडिया के बाहर ऐसे बायलैटरल सीरीज में उतना अच्छा नहीं था साउथ अफ्रीका के सामने उन्होंने वो बदला 3 मैचों में 2 मैच जीते 1 हारे तो वो सीरीज पहली बार भारत ने जीता तो उसी से उनको कॉन्फिडेंस लेना है कि इंग्लैंड को हम हरा सकते 3 मैच पहला मैनचेस्टर दूसरा ब्रिस्टल और तीसरा कार्डिफ पे तो ये तीनों मैच भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी होगा लेकिन भारत को अच्छा खेलना पड़ेगा ये साउथ अफ्रीका टीम नहीं है ये फुल स्ट्रेंथ इंग्लैंड टीम एक अच्छा टीम है कड़क टीम है बैलेंस टीम है और जैसे मैंने कहा ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका स्ट्राइक रेट 140-150 आराम से बनते हैं तो भारत के लिए मौका है लेकिन उतना आसान नहीं होगा। लेकिन अगर T20 की बात करें आपको लगता है T20 में जैसा अभी T20 की हम चर्चा कर रहे हैं दादा भारत के चांसेस वनडे में इससे पहले जाएं T20 में ज्यादा अच्छे चांसेस हैं वनडे के मुकाबले T20 में क्योंकि अगर पिछले हम कुछ स्टैट्स देखें आंकड़े देखें तो पिछले 10 मैचेस में अगर हम देखें तो भारत 8 जीता है और पिछले 10 मैचेस में अगर इंग्लैंड का रिकॉर्ड हम उठाकर देखते हैं वो सिर्फ 3 जीते हैं तो कंडीशंस देखना पड़ेगा कहां पे खेले हैं वो देखना जरूरी होगा कि कहां पे खेल रहे हैं इसीलिए मैं कहता हूं कि साउथ अफ्रीका का जो टूर था 2-1 भारत जीता उसका एक इन्फ्लुएंस होगा भारतीय टीम के ऊपर और वो आखिरी वाला मैच वो विराट कोहली के बिना जीते थे विराट कोहली आखिरी वाला मैच बैक इंजरी से खेले नहीं तो विराट कोहली के बिना भी वो मैच जीते हैं तो उससे कॉन्फिडेंस मिलेगा लेकिन कंडीशंस देखने पड़ेंगे फॉर्म देखने पड़ेंगे इस मौके पे इस टाइम पे दोनों टीमों का फॉर्म बहुत अच्छा है इंग्लैंड का भी भारत का भी लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि शायद T20 में उन कंडीशंस में इंग्लैंड के पास जो टीम है वो थोड़ा भारत से ज़्यादा दमदार है लेकिन अगर विराट कोहली चले MS धोनी चले शेखर धवन चले जिनका रिकॉर्ड इंग्लैंड में बहुत बेहतरीन है चैंपियंस ट्रॉफी हो वनडे सीरीज़ हो बहुत बेहतरीन है तो ये टीम इंग्लैंड को हरा सकता है। आज सुबह थोड़ा सा लगा कि वॉशिंगटन सुंदर जो हमारे लिए मेन खिलाड़ी हैं मेन ऑफ स्पिनर है थोड़ा सा इंजरी प्रोन हुए हैं तो उनका रिकवरी बहुत ज़रूरी है भारत के लिए क्योंकि इंग्लैंड के पास बाएं हाथ के खिलाड़ी हैं और ऑफ स्पिनर का बहुत ज़रूरत होगा और वो अच्छे डालते भी हैं T20 क्रिकेट में तो कड़ा मुकाबला होगा अच्छा सीरीज है लेकिन भारत के लिए जो चुनौती होगा ये इंग्लैंड टीम बहुत अच्छा फॉर्म में है। चलिए ये टीम को थोड़ा फेवरेट बता रहे हैं इंग्लैंड को भारी बता रहे हैं क्योंकि शायद घर पर भी खेल रहे हैं और भारत का अगर रिकॉर्ड आप देख रहे हैं तो 3 बार इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड में खेले और तीनों बार हार का सामना करना पड़ा है। टीम पर नजर डालना बहुत जरूरी है आपकी पहली 11 क्या है और पहली 11 की अगर बात करें दादा तो पहली 11 लगभग तय लगती है बहुत सारे खिलाड़ी अपने आप को पिक करते हैं लेकिन बात आती है कि आपका स्पिनिंग कॉम्बिनेशन क्या होगा स्पिनर्स का कॉम्बिनेशन क्या होगा और तेज गेंदबाजों का कॉम्बिनेशन क्या होगा। एक और बात जो विराट ने कहा है कि वनडे में जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे कि कप्तानी करना टेस्ट और वनडे में T20 के मुकाबले आसान है क्योंकि आपको रिकवरी करने का वक्त मिलता है लेकिन T20 में वक्त नहीं मिलता है तो चैलेंज वैसे भी ज्यादा है। स्पिनर कॉम्बिनेशन टीम 11 हम देखिए तीन स्पिनर है हमारे पास ऑफ स्पिनर लेफ्ट आर्म स्पिनर लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर मैं कहूंगा लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं जो हालत में हाल ही में शायद विश्व में बहुत बेहतरीन स्पिनर है कुलदीप यादव और चहल जो T20 में बहुत अच्छे डालते हैं लेकिन कंडीशंस देखना पड़ेगा। मैनचेस्टर एक ऐसी जगह है अगर आप वॉच करे होंगे ऑस्ट्रेलिया वाला मैच जो आखिरी मैच था वहाँ पे स्पिनर का बॉल घुमा है मैनचेस्टर अप नॉर्थ हमेशा उस ग्राउंड पे ओल्ड ट्रैफर्ड पे बॉल थोड़ा सा घूमता है तो भारत को वहाँ पे एक एडवांटेज होगा लेकिन जब तक 3 तारीख को शाम को 6:30 बजे आप विकेट नहीं देखेंगे तो आप नहीं कह सकते कि एडवांटेज होगा कि नहीं होगा। अगर मैं इंग्लैंड का कप्तान हूँ अगर मैं मॉर्गन हूँ तो मैं विकेट पे घास छोड़ूंगा विकेट पे घास छोड़ के भारतीय जो स्पिनर्स है उस कंडीशंस में इफेक्टिव हो सकते हैं उनको नेगेट करूंगा फिर तेज गेंदबाजों के साथ जो इंग्लैंड अच्छे खेलते हैं उसके साथ मैच जीतना है तो सोच बहुत ज़रूरी होगा कंडीशंस बहुत ज़रूरी होगा लेकिन भारत के पास तीनों ऐसे स्पिनर हैं जो तीनों मैच जिता सकते हैं। वॉशिंगटन सुंदर आशा करेंगे कि यंग खिलाड़ी है जो चोट उनको हुआ है उनसे वापस आके खेले कुलदीप यादव और हमारे जो चहल जो लेग स्पिनर है मेरे हिसाब से 2 स्पिनर शुरू करेंगे कुलदीप यादव और चहल क्योंकि जो इंग्लैंड बैट्समैन है वो रिस्ट स्पिन उतने अच्छे खेलते नहीं है तो मैं इन दोनों स्पिनर से शुरू करूंगा। जी हाँ कुलदीप यादव को जो एक्सपीरियंस भी हुआ है जिस तरीके से कुलदीप यादव ने तंग किया है परेशान किया है
कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एडवांटेज कुलदीप यादव को मिलता बिल्कुल, है। बिल्कुल वो सरप्राइज एलिमेंट है। दोनों ने साउथ अफ्रीका में शायद 30 विकेट लिए थे वनडे सीरीज में 6 मैच में, इससे पहले भारत के कोई स्पिनर उतना विकेट किसी भी ओवरसीज सीरीज में नहीं लिए। लेकिन उनको प्लेयर्स देख रहे हैं, प्लेयर्स उनके सामने खेल रहे हैं, तो कैसे खेलना है उनको वो भी वो सोचेंगे। देखिए पहला साल बहुत ईजी होता है, किसी ईजी नहीं कहूँगा, पहला साल आप जब परफॉर्म करते हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होता है, क्योंकि आप एक अलग तरीके का स्पिनर है, आपके पास वेरिएशन से, तो बैट्समैन आपको वर्कआउट करने में थोड़ा सा समय लेता है, क्योंकि जैसे उनके हाथ से भी बॉल छूटता है तो इस तरफ जो है वो भी सोचता है कि कैसे उसको अच्छी तरीके से खेले, ऑफ स्टंप पे खेले कि स्वीप मारे कि सीधा खेले, तो वो प्रेशर उनको दूसरे साल पे झेलना पड़ेगा जो इस साल उनके लिए होगा, तो वो उनको देखना पड़ेगा। और अगर मैं इंग्लैंड का बल्लेबाज होता तो उनको अटैक करता था, उनको सेटल करने का मौका नहीं देता था, जो इंग्लैंड शायद करेंगे, क्योंकि जो उनके खिलाड़ी हैं जेसन रॉय, बेस्टो, हेल, स्टोक्स, ये सारे पॉजिटिव खिलाड़ी हैं, मारते रहते हैं, तो वो अटैक करेंगे कुलदीप यादव को। एक और अहम टीम के मुद्दे पर बात करें, ये तो गेंदबाजी की बात की, अगर स्पिन का कॉम्बिनेशन देखा तो चहल और कुलदीप के साथ जाएंगे। मैच शुरू होने से पहले कंडीशंस के बाद इस फैसले में बदलाव हो सकता है, लेकिन बल्लेबाजी की अगर बात करें तो दिनेश कार्तिक, केएल राहुल, सुरेश रैना, इन तीनों में से एक, या आपका बैटिंग कॉम्बिनेशन क्या दिख रहा है? क्योंकि रोहित शिखर, विराट कोहली, ये ऊपर के तीन तो अपने आप को पिक कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद धोनी, हार्दिक पांड्या भी, रोहित शिखर, विराट कोहली और एमएस धोनी ऑटोमेटिक सिलेक्शन है, हार्दिक पांड्या ऑटोमेटिक सिलेक्शन है, क्योंकि वो आपके पांचवें गेंदबाज है, हार्दिक ऑटोमेटिक है, हाँ, क्योंकि ये इस फॉर्मेट में T20 और वनडे में ये हो गए पांच, तो फिर आपके पास जगह बचा रहता है एक बल्लेबाज का जगह बचा रहता है, दिनेश कार्तिक, सुरेश रैना, केएल राहुल। दिनेश कार्तिक ने जो पारी खेली श्रीलंका के सामने, बांग्लादेश के सामने आखिरी वन T20 मैच में, उसके बाद आपको अब उनको कैसे ड्रॉप करोगे? वो हारा हुआ मैच था भारत के लिए, आप देखे होंगे, आपने सब देखा होगा निदास वो मैच टीवी में, और भारत हार चुका था वो मैच, उन्होंने आके आखिरी ओवर में 20 रन मार के वो मैच जिताया भारत के लिए, तो उसको आप ड्रॉप नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से होगा शिखर धवन, रोहित शर्मा, तीन नंबर विराट कोहली, चार नंबर शायद दिनेश कार्तिक खेले, क्योंकि धोनी हमारी बात सुनते नहीं है, वो ऊपर आते नहीं है, तो चार नंबर दिनेश कार्तिक, पांच नंबर एमएस धोनी, छह नंबर हार्दिक पांड्या, और उसके बाद आपके पांच गेंदबाज, क्योंकि ये बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, तो बुमराह, भुवी और दो स्पिनर। और अगर बात करें वैसे इस पर, हम जब ओडीआई की तरफ बढ़ेंगे ना, तब हम बात करेंगे धोनी के बारे में। धोनी ने कहा नीचे आना मेरे लिए अब क्विक सैंड में फंसने जैसा है, क्विक सैंड यानी दलदल में फंसने जैसा है, मैं ऊपर बल्लेबाजी करना चाहता हूं, क्योंकि उम्र के साथ मैं आते ही, लेकिन करते नहीं लेकिन इस पर बात करेंगे, ओडीआई बोलते हैं लेकिन करते नहीं, ओडीआई में आएंगे दादा, इस पर बात करेंगे। लेकिन केएल राहुल को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं, क्योंकि केएल राहुल ने जो 2020 में जो परफॉर्मेंस आईपीएल में जो किया है, इसके बावजूद आप निदहास ट्रॉफी को ऊपर रखेंगे केएल राहुल के इस आईपीएल के परफॉर्मेंस का? लेकिन प्रॉब्लम ही केएल राहुल का है कि वो टॉप ऑर्डर बल्लेबाज है, अब शिखर धवन और रोहित शर्मा से पहले उनको खिला नहीं पाएंगे। अगर केएल राहुल को आपको तीन नंबर खिलानी है तो विराट कोहली को चार नंबर जाना पड़ेगा, वो भी आप कर सकते हैं इन कंडीशंस पे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो अच्छी टीम है वही खेलना चाहिए। अगर केएल राहुल तीन खेलते, विराट कोहली चार, एमएस धोनी पाँच, दिनेश कार्तिक छः, हार्दिक पांड्या सात, उसके बाद बुमराह, भुवनेश्वर कुमार और आपके दो स्पिनर्स, शायद ये बैलेंस मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो चुनौती होगा केएल राहुल और सुरेश रैना के बीच, मेरा पल्ला केएल राहुल की तरफ होगा, क्योंकि मैं समझता हूँ वो एक क्वालिटी प्लेयर है। सुरेश रैना को इस फॉर्मेट में भी बाहर बैठाना उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि फील्डिंग करते हैं, ये मैं आपसे अगला सवाल था मेरा, सुरेश फील्डिंग करते हैं, अच्छे बल्लेबाजी करते हैं, ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी करेंगे, तो ये एक अच्छा मसला है भारतीय क्रिकेट के लिए कि किसको खिलाएं और किसको ना खिलाएं। लेकिन आप फिलहाल आप बाहर बिठा रहे हैं सुरेश रैना को भी, आपने डीके को श्रीलंका के परफॉर्मेंस पर तरजीह दी, जो आदमी आपको अकेला एक मैच जिता जाए, हारा हुआ मैच, वो बांग्लादेश जीत चुका था वो मैच अकेला जिता के लेके आया, तो उसको कैसे उसके बाद उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। बिल्कुल डीके ऑटोमेटिक सिलेक्शन है और दादा ने अगर सिलेक्ट किया है तो उस पर और सवाल नहीं उठ सकते हैं। ओडीआई की तरफ रुख करते हैं वनडे सीरीज की तरफ, लेकिन इससे पहले T20 का एक आखिरी सवाल, पहला मैच कितनी अहमियत रखता है मैनचेस्टर का इस पूरे सीरीज को देखते हुए? पहला मैच शुरुआत बहुत क्रूशियल है, वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है पूरा सीरीज में, और भारत अच्छा सोच पे जाएगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका में T20 और वनडे सीरीज डोमिनेट किया उनको, आप कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका वीक था, बहुत सारे प्लेयर्स इंजर्ड थे, सारे नए प्लेयर्स आए, तो क्या हुआ, वो तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमको जो मिला है हम उससे उसके साथ खेले हैं, और उसको एकदम जो हिंदी में बोलते हैं ना धोपड़ पट्टी, वही हुआ है जी। वनडे में भी 5-1, T20 में भी 2-1 से हम जीते सीरीज, तो
नौ मैचों में से हम 7 मैच जीते हैं, तो जिसे कहते हैं ना वन साइडेड, वो हुआ है साउथ अफ्रीका में। और उसका कॉन्फिडेंस इस सीरीज पे भी आएगा, क्योंकि ये टीम, ये खिलाड़ी जो हमारे पीछे हैं, जिनका तस्वीर आप देख रहे हैं, वो ये सोच के उतरेगा कि हम यहाँ पे आके जीतेंगे। 2011 भूले, 2015 भूले, ये एक नया शुरुआत है भारतीय क्रिकेट के लिए। जी हाँ, और कहीं ना कहीं इन सबके बीच इनके साथ धोनी भी है, और धोनी कितने अहम है इस टीम के लिए हम सबको मालूम है। हाल में जॉस बटलर ने कहा, जॉस बटलर का इंपैक्ट हम बात करेंगे उनके खतरों के बारे में, कि मैं अपने आप को ये सोचा कि धोनी इस परिस्थिति में होते आखिरी वनडे मैच में तो किस तरीके से खेलते, और अपनी इनिंग्स को उसी अंदाज में वो खेला और मैच को जिताया। तो धोनी का इंपैक्ट तो बड़ा जबरदस्त है ही, लेकिन इसके पहले कि हम धोनी की तरफ जाएं, वनडे में उनके इंपैक्ट की हम बात करेंगे, हम बढ़ते हैं ओडीआई सीरीज की तरफ दादा, क्योंकि आज आपसे तीनों फॉर्मेट के बारे में बात करना है, इसके बाद हम अलग अलग मैचेस के बारे में बात करेंगे। लेकिन ओडीआई की अगर बात करें, जिस अंदाज में ओडीआई में रैंकिंग के लिहाज से बात करें, नंबर एक की भी लड़ाई है, रैंकिंग की भी लड़ाई है, इंडिया जो था, भारत जो 1990 के बाद पिछली सीरीज 2014 में जीता, 1990 के बाद टेस्ट सीरीज आप जीत कर आए, लेकिन वनडे सीरीज नहीं जीते, नहीं 2002 में जीते। जी आप ये कह सकते हैं कि वो बाइलेटरल नहीं था। जी हाँ, उसमें श्रीलंका भी था, ट्राई सीरीज उस पे, तो हम उसको तो अभी हमारे अभी आपको जैकेट उतारना पड़ेगा उस सीरीज की जब पूरी बात होगी। और अगर बात करें इस वनडे सीरीज की, तो इंग्लैंड नंबर वन टीम है और भारत नंबर दो। अगर 3-0 से हम आगे बढ़ते हैं, 3 मैचेस लगातार जीतते हैं, तो रैंकिंग में फेरबदल हो सकता है, और इंडिया बाकी मैचेस को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया के और दूसरी टीमों के, तो हो सकता है कि भारत नंबर एक भी बन जाए। ओडीआई सीरीज क्या चांसेस? 50-50 मैं कहूँगा। इंग्लैंड उसमें भी बहुत स्ट्रांग है, इंग्लैंड के जो बल्लेबाजी हैं बहुत तगड़ा बल्लेबाजी हैं, और आपने हाल ही में देखा ऑस्ट्रेलिया को, जो भी हो ये इतना कमज़ोर ऑस्ट्रेलिया मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा, इतना कमज़ोर ऑस्ट्रेलिया 5-0 से जीता, और भारत को कड़ा मुकाबला देगा, क्योंकि जो बल्लेबाज हैं, देखिए वही टीम, एक अच्छा टीम होता है एक डेंजरस टीम होता है, ये इंग्लैंड टीम डेंजरस है, और ऑस्ट्रेलिया के सामने बेन स्टोक्स फिट नहीं था, बेन स्टोक्स उस टीम को बहुत अच्छा बैलेंस देता है गेंदबाजी पे भी बल्लेबाजी पे भी। और आप बैटिंग ऑर्डर देखिए, उनके जो ऊपर वाले खेलते हैं जेसन रॉय, इस सीरीज़ में 2 शतक लगाए और 140 की औसत से, उनका बेस्ट हो शतक लगाए 140 की औसत से, फिर हेल्स जो 480 बना है उसमें शतक लगाए 150 की औसत से, 155 की औसत से, उसके बाद जो रूट आते हैं जो इस टीम को पकड़ के रखते हैं, वो इस टीम का ग्लू है, फेविकॉल अब कहते हैं ना, हाँ। कि बाकी जो चलाने वाले हैं उसके बीच ऐसे बंदा है जो रोटेट करेगा, फिर उसके बाद आएगा बटलर, जो टीम पेन ने कहा कि शायद इस समय सबसे बेहतरीन विकेट कीपर बैट्समैन है, उसके बाद आएगा बेन स्टोक्स, उसके बाद मोइन अली, तो डेप्थ बहुत बहुत लंबा है उनकी उनकी टीम में, और वो ये कंडीशंस को एंजॉय करते हैं, तो ये डेंजरस होगा, ये टीम डेंजरस होगा, और ये मैच विनिंग प्लेयर्स है, जिस दिन बल्ला चला भारत जीता, जैसे सहवाग का होता था कि जिस दिन चला बल्ला तो भारत को कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि मैच बिल्कुल लेके जाता है आपसे, तो इस टीम में वैसे खिलाड़ी हैं, और भारत को ध्यान से खेलना पड़ेगा। भारत का जो एडवांटेज है उनके जो सारे गेंदबाज है वो अंदर की तरफ गेंद लाते हैं, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, सिर्फ हार्दिक पांड्या है जो थोड़ा सा बाहर की तरफ लेके जाते हैं, बाकी सबका गेंद अंदर की तरफ आता है, तो उसमें एलेक्स हेल्स भी फंसे हैं, उसमें बेस्टो भी फंसे हैं, और उसमें जेसन रॉय भी फंसे हैं, तो ये एक बॉलिंग अटैक में एडवांटेज है भारत का, बाकी उनको एडजस्ट करना पड़ेगा लेंथ उस कंडीशन के हिसाब। इंडियन टीम की अगर बैटिंग की बात करें दादा, तो ओपनिंग कितनी ज़्यादा अहमियत रखता है? अगर आप पिछले 2 टूर्नामेंट्स देखेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी 2014-2017 जो भारत बहुत अच्छा खेला, एक जीता 2014 में, और 2017 में हम हार गए पाकिस्तान से फाइनल, उसमें शेखर धवन और रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस देखना आप, और विराट कोहली का भी, पहले 3 बैट्समैन एक समय था कि नीचे वाले को मौका ही नहीं मिलता था, आप अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो ये उन कंडीशंस में शेखर धवन स्पेशली बहुत बेहतरीन खेलते हैं इंग्लैंड में, बाएँ हाथ के खिलाड़ी हैं, वो रूम को देखते हैं और ऑफ साइड पर बहुत अच्छा खेलता है, तो टॉप ऑर्डर सक्सेसफुल रहा है इस कंडीशंस पे। और आप फिर जा रहे हो जुलाई में जहाँ पे मौसम गर्म है, विकेट्स अच्छे हैं, पाटे विकेट्स हैं, तो ये बहुत भारी पड़ेंगे इंग्लैंड अगर इनको आउट नहीं किया शुरू में, स्पेशली 3 ऊपर के बल्लेबाज, ये भारत की स्ट्रेंथ है, रोहित शर्मा, शेखर धवन और विराट कोहली, इनको अगर आप जल्दी आउट नहीं कर पाए तो ये मैच आपसे लेके चला जाएगा। दादा वो खिलाड़ी टीम में नहीं है लेकिन उस खिलाड़ी को ड्रॉप करना, क्योंकि जैसा आपने दिनेश कार्तिक को पिक किया निदाहस ट्रॉफी के दम पर, जिस तरीके से उसने टेम्परामेंट दिखाया, काबिलियत दिखाया, वो कहीं ना कहीं एक बेंचमार्क होता है कि हाँ इस खिलाड़ी में दमखम है, ऐसी स्थिति में मैच निकाल सकता है। उसी तरीके से पिछले दौर में अगर आप देखें अजिंक्य रहाणे,
क्या अजिंक्य रहाणे को लेकर जाना चाहिए था? क्या बिल्कुल बिल्कुल लेके जाना चाहिए था। मुझे पता नहीं उनको कैसे ड्रॉप करते हैं, और उनको लेके जाने का एक अच्छा सुविधा होता भारत के लिए कि ये वनडे सीरीज खेलते, टेस्ट सीरीज, T20 सीरीज खेलते और टेस्ट सीरीज के लिए तैयार हो जाते। कंडीशन उनको यूज टू हो जाता। आप देखिए साउथ अफ्रीका में पहला दो मैच आपने उनको ड्रॉप किया, वो आपका वाइस कैप्टन था। फिर आखिरी मैच में आए जोहान्सबर्ग में, पहली पारी में जो पारी खेली वो डिफरेंस किया उस विकेट के ऊपर, क्योंकि उस विकेट पे 30 रन बहुत रन होते मायने रखते हैं, बहुत मायने रखता था। तो ऐसे खिलाड़ी को आप ड्रॉप नहीं कर सकते। जब पहले अंबती राइड को सिलेक्ट कर गया, और अंबती राइड को सिलेक्ट कर गया T20 परफॉर्मेंस के ऊपर, IPL के परफॉर्मेंस के ऊपर हमने उनको वनडे में लिया, तो वहाँ पर शायद ये ठीक उन्होंने नहीं किया। अजिंक्य रहाणे जैसे खिलाड़ी को आपको सपोर्ट करना है। राहुल द्रविड़ जैसे शुरुआत में था ना, वैसे वनडे खिलाड़ी हैं अजिंक्य रहाणे। और राहुल द्रविड़ भारत के लिए अच्छा खिलाड़ी इसीलिए बना क्योंकि टीम मैनेजमेंट सिलेक्टर ने उनके लिए एक रोल बनाए कि 5 नंबर पे आप खेले, आप कैफ और युवराज के साथ इस टीम को आगे लेके जाए। तो शायद भारत अजिंक्य रहाणे के साथ भी वो एक रोल क्रिएट कर सकते हैं कि आपका ये रोल है, आप इस टीम को इस स्थिति से आगे बढ़े। हार्दिक पांड्या के साथ खेले, MS धोनी के साथ खेले, रोटेट करे, और बाकी जो उनके साथ खिलाड़ी है वो खुल के खेले। तो उनके जैसे खिलाड़ी को टीम से बाहर करना सही नहीं है, क्योंकि एक खिलाड़ी होता है ना, कई खिलाड़ी जो आप देखते हैं आप कहते हैं यार ये लंबा रेस का घोड़ा है। और अगर आपको अंबती राइडू और अजिंक्य, मैं किसी को छोटा नहीं कर रहा हूँ, अंबती राइडू भी रन बना है IPL में, लेकिन जब ओवरसीज कंडीशंस पे इससे पहले गए तेज गेंदबाजों के सामने थोड़ा सा लगा कि थोड़ा सा वांटेड है, लेकिन जो अजिंक्य रहाणे को देख के नहीं लगता। आपने वर्ल्ड कप देखिए 2015 जब ऑस्ट्रेलिया में गए, शायद विराट कोहली के साथ वो सबसे बेहतरीन बल्लेबाज थे भारत के लिए। तो मैं थोड़ा सा सरप्राइज हुआ उनको पिछले 2 साल में बहुत अंदर बाहर किया गया है। वो शायद किसी अच्छे खिलाड़ी के कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा नहीं है, और विराट कोहली को इस पे ध्यान देना पड़ेगा। उनको और KL राहुल, क्योंकि कैलिबर है, KL राहुल सिडनी में 100 बनाते हैं, वेस्ट इंडीज़ में 100 बनाते हैं, तो इन खिलाड़ी जो आपको बाहर जाके शतक बनाते हैं ना, उसको थोड़ा सा आपको संभालना पड़ेगा, उनके लिए जगह बनानी पड़ेगी टीम में कि आप इस बार IPL में KL राहुल खेला, रन्स बनाए। बाकी से लगता था कि बिल्कुल अलग क्लास है, उतना हड़बड़ा नहीं, टाइम करते हैं, समय है खेलने का, तेज गेंदबाज, और जैसे कहते हैं ना T20 में ताबड़तोड़ मारते रहो, उनकी बैटिंग देख के लगता नहीं है, कंट्रोल्ड बैटिंग है, लेंथ के हिसाब से खेलते हैं। तो ऐसे खिलाड़ी जो क्लास खिलाड़ी हैं उनको थोड़ा संभालना ज़रूरी है, और ये इस चीज़ को सिलेक्टर्स विराट कोहली, रवि शास्त्री को ध्यान देना पड़ेगा कि KL राहुल और अजिंक्य रहाणे जैसे दो क्लास खिलाड़ी को इस टीम में कैसे फिट किया जाए। ये कई सारी बातें याद आ जाती हैं दादा के, जब खेल रहे थे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट, तब हम रिपोर्टिंग करते थे और उनके पीछे पीछे घूमते रहते थे और देखते रहते थे किस तरीके की रणनीति बनाते हैं। द्रविड़ का आपने एक उदाहरण दिया, और द्रविड़ को जिस तरीके से टीम में फिट किया विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर, बल्लेबाजी के तौर पर, जो रूट जो इंग्लैंड की टीम के दादा ने कहा फेविकॉल है, ग्लू है, उसी तरीके से राहुल द्रविड़ का रोल आप लोगों ने बनाया था। तो ऐसे में दादा, तो साफ यहाँ पर बात ये आती है कि इसमें रोल कप्तान का बहुत अहम है, और वो ये ध्यान रखे कि अजिंक्य रहाणे और KL राहुल जैसे खिलाड़ियों को अपने सेटअप पे सेट करें और किसी तरीके से मैनेज करें। तो विराट कोहली के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि चैलेंज है, एग्रेशन है, परफॉर्मेंस है, सब कुछ है, लेकिन मैन मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट पे उनको अभी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा और बाहर जाके जीतना है। ये उनके लिए अच्छा कप्तान बनने का एक बहुत सुनहरा मौका है। साउथ अफ्रीका गए, जो शुरुआत था बाहर का, साउथ अफ्रीका गए, टेस्ट सीरीज हारे, वनडे सीरीज में शानदार परफॉर्मेंस दिया, अब इंग्लैंड है, साल के एंड पर ऑस्ट्रेलिया, और फिर जनवरी फरवरी में न्यूजीलैंड, अब वनडे क्रिकेट खेलेंगे। ये अगर विराट कोहली जीत के आते हैं तो विराट कोहली को भारत के हिस्ट्री में महान कप्तान कहा जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर थोड़ा सा हार जाते हैं तो कहेंगे नहीं अच्छा कप्तान था, इंडिया में जीतते थे, लेकिन इंडिया बाहर जाके थोड़ा सा टीम लड़खड़ा जाती थी। तो इस पे उनको ध्यान देना पड़ेगा। एक चीज़ उन्होंने बहुत अच्छी की है, ये जो यो टेस्ट का मैं सुनता हूँ ना, ये यो टेस्ट अब जो भी कह ले, हाँ मैं मानता हूँ कि यो टेस्ट हमेशा यार्डस्टिक नहीं है सिलेक्शन का, लेकिन समय बदल चुका है, गेम बदल चुका है, गेम तेज़ होना शुरू हुआ है। तो अगर आपको इस टीम को एक डिसिप्लिन करना है, इस टीम को एक छत के नीचे आना है, इस टीम में एक जो वर्क कल्चर है वो करना है, तो इस यो टेस्ट में पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं कठिन समय पर फिटनेस का एक रोल ज़रूर होता है। और लोग जितना भी कहे कि यो टेस्ट बेकार है, बेकार तो नहीं कहते, ये इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है कि नहीं, लेकिन इसका थोड़ा सा इफेक्ट तो टीम में है, वर्क कल्चर के हिसाब से ये टीम में है, और ये एक सही चीज़ उन्होंने इस टीम में शुरू किया।
और अगर बात करें कितना चैलेंजिंग होगा कप्तान के लिए T20 और ODI सीरीज, चैलेंज तो होगा ही, चैलेंज तो होगा कप्तानी के लिहाज से होगा ही। और उनका दिमाग में होगा कि पिछली बार जब मैं इंग्लैंड गया तो मेरे से रन नहीं बने टेस्ट क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में नहीं, वनडे क्रिकेट में चैंपियंस ट्रॉफी वर्ल्ड कप विराट कोहली के परफॉर्मेंस है तो वो कॉन्फिडेंस उनका रहेगा, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में थोड़ा सा अलग तरीके से खेलना पड़ेगा। दादा इस बातचीत को आगे बढ़ाएं, एक मैं रवि शास्त्री की बात सुनाना चाहता हूं। जब हमने बात की धोनी के बारे में और धोनी ने जब ये कहा कि बाद में मिडिल ऑर्डर नहीं बल्कि लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी करना कहीं ना कहीं मेरे लिए क्विक सैंड में दलदल में फंसने जैसा है, मैंने सवाल उनसे पूछा तो रवि शास्त्री ने क्या कहा सुनिए। धोनी ऐसा है जो कोई भी नंबर पर जा सकते हैं, तो मेरे ख्याल में सिचुएशन देखना पड़ेगा गेम का और प्री डिटरमाइंड नहीं है कि चार नंबर बिल्कुल, क्योंकि हमारे साइड में ऐसा है कि पहले तीन के बाद कोई भी कभी भी जा सकता है। इन धोनी ने कहा है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, थोड़ा एज हो गया हूँ, मेरे रिफ्लेक्सेस स्लो हो गए हैं। देखा ना आपने IPL में कितना बूढ़ा हो गया। तो मैं चार नंबर पे खेलूंगा तो ज्यादा मेरा फायदा होगा, मुझे टीम को भी फायदा होगा। ऐसा प्लेयर बहुत कम मिलता है, यू नो फायदा है कि हमें कि ऐसा एक्सपीरियंस प्लेयर है जो कहीं पे भी जा सकता है, चार पे जा सकता है, छः पे जा सकता है, पाँच पे जा सकता है। तो ये देखना पड़ेगा टीम की इंटरेस्ट में सबसे अच्छा नंबर कौन सा है। कप्तान होते इस वक्त इस टीम के और आपकी टीम में एक ऐसा पितामह भीष्म होते, इतना टैलेंटेड खिलाड़ी, और वो कहता कि मैं ऊपर बल्लेबाजी करना चाहता हूँ, तो आप क्या करते? देखिए जैसा रवि ने कहा कि पहले तीन के बाद कोई भी जाके खेल सकते हैं, और मैं इसके साथ सहमत हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि धोनी जैसे खिलाड़ी थोड़ा सा समय उनको दीजिए, थोड़ा सा बॉल्स दीजिए कि सेट होने में, फिर जाके मार सकता है। अब तेंदुलकर इसीलिए बना है क्योंकि अब छः नंबर से उनको ओपन कराए। मैंने भी वनडे में खिलाड़ी बना क्योंकि मैं नीचे से ऊपर गया, क्योंकि बॉल्स खेलने को मिलता था। आपके पास अगर खेलने का समय नहीं होगा तो आप रन कहाँ से बनाएंगे? तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि धोनी को T20 क्रिकेट में आखिरी 10 ओवर और वनडे क्रिकेट में आखिरी 25 ओवर देना चाहिए। जो भी स्थिति हो आपका, जो भी बल्लेबाज हो, उनको जाके बोले कि 25 ओवर पे जाए, आप सेट हो और उसके बाद खुल के खेले। देखिए एबिलिटी तो पहले से कम हुआ है, वो सबका होगा। पहले जब धोनी आए थे पाकिस्तान में आप देखे थे इतने बड़े बड़े बाल, कहीं से भी उठा के छक्का ही मारता था। अब जाके वो रोटेट करते हैं, शुरू में दिमाग भी अलग सा चलता है ना, एक्सपीरियंस है। जैसे रवि ने कहा समय के साथ क्रिकेट खेले, सिचुएशन एनालाइज करते हैं, गैप्स में डालते हैं और फिर सेट होते फिर मारते, तो उनको वो समय देना पड़ेगा। लेकिन ये जो कह रहे सही कह रहे कि पहले तीन के बाद हम सिचुएशन के हिसाब से बेचते हैं। लेकिन दादा कहीं ना कहीं धोनी इतने बड़े इतने सीनियर खिलाड़ी हैं, शायद उनके अंदर एक संकोच है, हेजिटेशन है, वो बोल नहीं रहे कप्तान को जाके कि मुझे ऊपर भेजो, लेकिन संकेत दे रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं बार बार, और शायद कप्तान को कुछ समझना होगा यहाँ पर, कोच को समझना होगा। इस टीम को जो बाहर से देखे लगता है हम आप तो बाहर है अंदर पता नहीं, धोनी इस टीम में बहुत इंपॉर्टेंट एक खिलाड़ी है। और जो सबसे अच्छा चीज़ लगा विराट कोहली और रवि शास्त्री को देख करके, वो धोनी को कॉन्फिडेंस देते हैं कि 300 मैचेस हो चुके हैं। बहुत 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 बार ऐसा लगा है कि पिछले जब थोड़ा सा उम्र हो जाता है कि सोचते हैं कि यंग खिलाड़ी लाओ, सीनियर प्लेयर स्लो हो रहा है, धीरे धीरे समय के साथ निकल जाते हैं। लेकिन इस टीम में विराट कोहली ने धोनी को वो इज्जत दिया है जो बहुत ज़रूरी होता है किसी खिलाड़ी को अच्छा खेलने के लिए। तो कम्युनिकेशन ज़रूर हुआ होगा धोनी के साथ, क्योंकि जैसे हमने कहा धोनी एक थिंक टैंक का ज़रूर पार्ट होगा जो विराट को एडवाइस करते हैं। फील्ड में आप जब देखते हैं ना, आपको दिखता है कि वो कीपर और फील्डिंग हटाता है, विराट को बोलता है, तो शायद बाहर भी बोलता होगा। तो अगर वो कहेंगे कि मुझे समय दो, मुझे बॉल्स चाहिए सेट होने में, फिर मैं अच्छा खेल पाऊंगा, तो ज़रूर विराट कोहली देगा। कहीं ना कहीं दोनों का सोच एक जगह है, इसीलिए धोनी का बल्लेबाजी या बैटिंग ऑर्डर उसी हिसाब से बनता है। चलिए T20 वनडे का ये आखिरी सवाल है मेरा दादा के लिए, और वो है कि हार्दिक पांड्या आपने टीम में भी रखा है, लेकिन हार्दिक पांड्या बहुत जल्दी फैंस हैं मीडिया तुलना कर देती है कि ऐसा लगा कि शायद कपिल देव दिखने लगा था हमको, लेकिन हार्दिक पांड्या ने अभी तक कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट किया, निराश किया। बिल्कुल, और वो मैं समझता हूँ कि उनका टेम्परामेंट के लिए है। एबिलिटी तो बहुत है, टेक्निकली जब बैटिंग करते तो लगता है टेक्निकली साउंड है, ऐसा नहीं कि बल्लेबाजी करना नहीं आता, बॉलिंग में दम है, स्विंग कराते हैं, 140 के औसत से डाल सकते हैं। दिमाग को सही तरीके पर लाना पड़ेगा, क्योंकि इस फॉर्मेट में अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको कैलिस जैसा जो कहते हैं ना, जो डिटरमिनेंट अप्रोच, वो चाहिए। पहले तो उनको थोड़ा सा शॉट्स कम खेलना पड़ेगा किसी भी फॉर्मेट पे, क्योंकि छक्के इतनी आसानी से मारते हैं कि ऐसा लगता है कि हर बॉल मार दूंगा। इस लेवल पे नहीं होगा, क्योंकि अच्छे गेंदबाज है, सीमिंग कंडीशंस में आपको आउट कर देगा। तो आपको आपका गेम बनाना पड़ेगा, सिंगल सिंगल रोटेट करे, गैप में खेले, दो अच्छा खराब बॉल गिरा, ड्राइव मारे, चौका, फिर जब छक्का मारने का समय आया तो निकल के मारो, जो धोनी अब करते हैं।
जो सिचुएशन के साथ अपना गेम को चेंज करते हैं, विराट कोहली करते हैं, विराट कोहली खेलता है 40 ओवर 45 ओवर, फिर जाके 100 बनाता है, तो पांड्या को भी वो करना है कि मुझे सेट होना है, सेट होके गेम को लेके जाना है, क्योंकि वो सुपर ह्यूमन ह्यूमन नहीं है। अगर कंसिस्टेंट बनना है तो गेम को एक 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 जैसे कहते हैं ना गेम प्लान, वो होना चाहिए उनके लिए, जो इस समय मुझे नहीं लगता। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पांचवें गेंदबाज है इस टीम का, हर टीम के पास ऑलराउंडर नहीं है, लेकिन उनको वो रोल ठीक तरीके से करना पड़ेगा। टेस्ट क्रिकेट में जब आते हैं तो उनको उनका ये रोल होना चाहिए कि मैं दिन में 17, 18, 20 ओवर डालूंगा, क्योंकि मुझे जो मेरे चार मेन गेंदबाज हैं उनको रेस्ट कराने हैं, और 20 ओवर डालूंगा तो 40 रन ही दूंगा और 2 विकेट 3 विकेट। वनडे में भी 10 ओवर डाले हैं, 40 रन 1 विकेट 2 विकेट। अगर मैं भी फ्रंट लाइन बॉलर जैसा अटैक करना शुरू करूंगा तो फिर वो 10 ओवर में 70 हो जाते हैं, वो 20 ओवर में रन चले जाते हैं, फिर विराट कोहली के मैच को कंट्रोल करना उतना आसान नहीं हो जाता। तो उनके लिए इस टीम में रोल डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। और जो एक वर्ड अगर आप हार्दिक पांड्या को जब देखते हैं ना, तो उनके गेम में सबसे ज़रूरी है वो सॉलिडिटी लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टैलेंट बहुत है। चलिए जाते जाते ये बता दीजिए, इससे बात हम क्योंकि टेस्ट में कदम रखने वाले हैं, जो कि सबसे बड़ा टेस्ट है, T20 और वनडे का नतीजा क्या होगा? तीन बोलना बहुत मुश्किल है। ऑन फॉर्म इंग्लैंड शायद आगे है, इंग्लैंड उनके कंडीशंस पे खेल रहे हैं, 5-0 से जीता और 300-400 रन बनाए हैं, तो शायद ऑन फॉर्म इंग्लैंड आगे है, लेकिन इस भारतीय टीम को अंडर एस्टिमेट ना करें, इस भारतीय टीम को इन कंडीशंस पे अंडर एस्टिमेट ना करें, स्पेशली साउथ अफ्रीका के बाद अंडर एस्टिमेट ना करें। और टेस्ट, 5 टेस्ट बहुत होते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे, लेकिन T20 में आपने स्कोर नहीं बताया, 3 में हम 2-1 से जीतेंगे या हम एक जो भी जीतेगा 2-1 से जीतेगा, क्योंकि ऐसा टीम नहीं होगा जो 3 लगातार मैच हारेंगे। और शुरुआत बहुत ज़रूरी है भारत के लिए, जो फायदेमंद है शुरुआत मैनचेस्टर में है, जहाँ पे बॉल घूमा है वो बहुत क्रूशियल है, क्योंकि छोटा सीरीज है, 3 T20 3 1 डे मैच, जो टीम एक बार निकल जाता है ना तो दूसरे टीम को पीछे से आना पड़ता है, तो वो एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। पहला मैच इस दोनों सीरीज का 20 ओवर और 50 ओवर के लिए बहुत क्रूशियल है। दादा अब ये बताएं कि कितना बड़ा टेस्ट, 5 टेस्ट का ये सीरीज है, एक तो लंबी सीरीज है, और कितना बड़ा टेस्ट है विराट कोहली के लिए, सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे। बिल्कुल, बहुत बड़ा टेस्ट है और अपने लिए भी एक बड़ा चुनौती होगा, क्योंकि पिछली बार जब 2014 में गए थे तो जीते तो नहीं, रन्स भी नहीं बनाए, और इस बार अगर आप देखेंगे वो चाहते थे कि काउंटी क्रिकेट जाके खेले, और मैंने कहा कि थोड़ा सा पैनिक किया हुआ है विराट कोहली, क्योंकि उनका दिमाग में है कि पिछले बार रन नहीं बनाया तो इस बार मैं एकदम तैयार रहूँगा टेस्ट मैच के लिए, खेले नहीं काउंटी क्रिकेट उसके बाद, जो मैं समझता हूँ उनके लिए अच्छा ही हुआ है, वनडे सीरीज़ में वो यूज टू हो जाएंगे कंडीशंस, और फिर टेस्ट क्रिकेट में अपने दिमाग को सही जगह पे लाना है। मेरा ये विश्वास है कि रन बनाएंगे, क्योंकि 2014 का विराट कोहली और 2018 का विराट कोहली में बहुत फ़र्क है। ऑस्ट्रेलिया जो सीरीज़ उन्होंने 4 लगातार शतक बनाए 4 टेस्ट में, उनको बदल दिया एज अ बल्लेबाज, तो उसी हिसाब से मैं समझता हूँ इस सीरीज़ में विराट कोहली बड़े स्कोर बनाएंगे, और अगर वो बड़े स्कोर बनाते हैं तो भारत एक अच्छा स्थिति पे होगा टेस्ट सीरीज जीतना। 5 टेस्ट बहुत होते हैं, लंबा सीरीज, फिटनेस, इंजरीज, फास्ट बॉलर्स के फ्रेशनेस, ये बहुत ज़रूरी होगा। पहले टेस्ट और बाद में वनडे, और पहले वनडे और बाद में टेस्ट में एक फ़र्क है, तो मैं होपफुल हूँ विराट कोहली का परफॉर्मेंस के ऊपर, होपफुल हूँ भारत की अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, और हम दोनों रहेंगे इंग्लैंड में और आशा करेंगे कि दोनों अच्छे खेलें। जी हाँ, और जहाँ तक बात है, बात हम 2007 की टीम की भी करेंगे, दादा की टीम की भी तुलना भी करेंगे, क्या फ़र्क है, बताने की बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त है टीम इंडिया की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की दादा ने बात की, ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं बैकफुट का देश है, और इंग्लैंड जो है वो फ्रंट फुट का देश है, और साथ में स्विंग सीम और स्विंग जो एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा दादा, कि आकाश चोपड़ा से बात हो रही थी, आकाश चोपड़ा हमारे साथ शो में थे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आकाश चोपड़ा ने आपके अंडर खेले भी और अच्छा परफॉर्मेंस भी था आकाश, उन्होंने कहा कि विराट कोहली में एक जो बदलाव आया है, उनके फुटवर्क में बदलाव आया है, उनका जो फ्रंट फुट है वो पहले से बड़ा हो गया है, बॉल तक पहुंच रहे हैं, तो आपसे वो टेक्निकली मैं जानना चाहता हूं, विराट में कितना फर्क है 14 में और 18 में? बिल्कुल जो आकाश ने सही कहा है कि पैर सामने जाने लगा है, अगर आप 14 का बैटिंग फुटेज देखेंगे तो उनका बैट एक समय ना एंगल से आने लगा था, थोड़ा फर्स्ट स्लिप से मिड ऑन की तरफ, और जिमी एंडरसन की जो गेंद बहुत तंग किया उनको वो सीरीज में, वो एज लगने लगा था और स्लिप के पास जान, कॉन्फिडेंस भी गिरा समय के साथ, तब वो विराट कोहली वैसे विराट कोहली जैसे खिलाड़ी नहीं थे। रिकॉर्डिंग हो रहा है? नहीं, तुम डिस्टर्ब कर रहे हो। तो वो विराट कोहली जैसे जो विराट कोहली अब है वैसे मैच्योर्ड नहीं थे, वैसे कॉन्फिडेंट खिलाड़ी नहीं थे, तो उस टूर से वो सीखे होंगे। देखिए बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, और बड़े खिलाड़ी अपना पुराना जो फेलियर्स है उनसे सीखते हैं,
और विराट कोहली सीखे हैं उस फेलियर से, और मैं बहुत होपफुल हूँ कि इस सीरीज़ में वो रन बनाएंगे। लेकिन शुरू में ऑफ स्टंप के बाहर की जो गेंद, उनको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। बेसिकली बहुत स्ट्रांग है पैर पे, सीधा और ऑन साइड पर, थोड़ा सा कभी कभी दूर खेल देते हैं ऑन साइड पर। जिमी एंडरसन भी वो गेंदबाज नहीं रहा है, तब 31 साल के थे, अब 35 साल के हो गए। फास्ट बॉलर्स के लिए जब उम्र बढ़ता है तो मुश्किल होता जाता है। तो ये सब चीज़ें एडवांटेजेस है भारत के लिए। भारत का विराट कोहली एक ऊपर जाता हुआ बल्लेबाज, और इंग्लैंड के जो फ्रंट लाइन गेंदबाज है वो समय के साथ, उम्र के साथ नीचे जाता हुआ गेंदबाज। तो ये एक पॉजिटिविटी है भारत के लिए। लेकिन मैं बिलीव ही नहीं कर सकता कि जो खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया में इतना अच्छा खेले, साउथ अफ्रीका में अच्छा खेले, भारत में तो खेलते ही हैं, वनडे क्रिकेट में अच्छा खेले, वो इंग्लैंड कॉन्कर नहीं कर पाएगा। ये एक विराट कोहली के जो चैप्टर है क्रिकेट का, वो एक एम्प्टी पेज है जो शायद इस टूर के बाद भर जाएगा। दादा, मेंटल प्रेशर की बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी किताब भी मैंने पढ़ी, और जब पढ़ते हैं तब पता चलता है, क्योंकि 96 में आपके लिए करो या मरो की सीरीज थी, क्योंकि आप अपने जगह बनाने की, आप अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे, और विराट कोहली के लिए एक दूसरी फाइट है, लेकिन बैटल जो है दोनों मेंटल है। तो ये प्रेशर कैसे काम करता है आपके लिए? पॉजिटिव काम, ये गेम है ही तो मेंटल, और प्रेशर एक चीज़ है जो आप अपने ऊपर खुद लेते हो। आपको ये सोचना है कि मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। जब 1996 में मैं पहली बार भारत के लिए खेला लॉर्ड्स में, वैसा मौका कितने को मिलता है? आप लॉर्ड्स में बैटिंग करने जा रहे हो तीन नंबर, और आपने जाके शतक लगाया। विराट कोहली को ये सोचना है कि कितने लोगों को भारतीय टीम का कप्तान बनने का मौका मिलता है, वो भी इंग्लैंड में, और वो भी विराट कोहली बनने में। तो इसको एक अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखना चाहिए, और अपॉर्चुनिटी को इनकैश करना चाहिए। अगर आप प्रेशर लेंगे तो आपका गेम नीचे जाएगा। अगर आप सोचेंगे ये मेरे लिए मौका है और इस मौके का मैं पूरा इस्तेमाल करूँगा, तो आप अच्छा परफॉर्म ज़रूर करोगे। और मेरा ये कहना है कि मैं विजुअलाइज़ नहीं कर सकता कि फिर 5 टेस्ट गए और विराट कोहली ने 150 रन बनाए, शायद वो इस बार नहीं होगा। सीरीज लंबी है दादा, और खिलाड़ियों के लिए बड़ा चैलेंजिंग होगा, और शुरुआत में फिर एक बार फिर ओपनिंग से करना चाहूँगा टीम इंडिया के टेस्ट मैच में। कैसे, किन ओपनर्स को आप, जिस तरीके से हमारे ओपनर्स हैं टेस्ट मैचेस में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है कि रन भी बनाए और थोड़ा तेज बनाए अगर आपको जीतना है, जो आपके जमाने में अलग है, ये कंडीशंस अलग है। वीरू ने कमाल किया, और शेखर धवन का रिकॉर्ड आप सब कॉन्टिनेंट में और सब कॉन्टिनेंट के बाहर देखेंगे, बहुत फर्क है टेस्ट क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में नहीं। ऑस्ट्रेलिया गए ड्रॉप हुए, पिछली बार 2014 में इंग्लैंड गए, दोनों टेस्ट मैच के बाद ड्रॉप हुए, फिर साउथ अफ्रीका गए, इस बार पहले टेस्ट मैच के बाद उनको ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन इंडिया में जब आते हैं, अफगानिस्तान के साथ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी उन्होंने किए, लंच से पहले शायद शतक, लंच से पहला भारतीय क्रिकेटर। लेकिन जब बॉल हिलने लगता है तो थोड़ा टेक्निक उनका अलग लगता है। तो मैं शुरू करूंगा केएल राहुल और मुरली विजय से, दोनों शुरू करेंगे टेस्ट क्रिकेट में एज एन ओपनर। शेखर धवन वनडे में अच्छा खेलेगा, तीनों मैच है, लेकिन इस फॉर्म से उनका टेस्ट फॉर्म जज ना किया जाए। तो अगर मैं विराट कोहली होऊंगा तो मेरे दोनों ओपनर्स होंगे केएल राहुल और मुरली विजय। और अजिंक्य रहाणे आपकी टीम में होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आंख बंद करके तीन नंबर पे चेतेश्वर पुजारा, चार नंबर पे विराट कोहली, पांच नंबर पे अजिंक्य रहाणे, छह नंबर पे हार्दिक पांड्या, सात नंबर पे आपका कीपर आएगा जो रिद्धिमान शाह, आशा करेंगे कि वो फिट हो। उनके लिए भी ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्दिक पांड्या, रिद्धिमान शाह, रविचंद्रन अश्विन, ये तीनों जो आपके 6, 7, 8 हैं, अगर वो अच्छे खेलते हैं तो 240 का स्कोर 400 पे जाएगा। 400 बनाएंगे तो आप प्रेशर डाल सकते हैं इंग्लैंड के ऊपर। लेकिन अगर वो लटक जाते हैं, अगर उनको नए बॉल पे आउट कर देते हैं उनके तेज गेंदबाज, तो फिर टॉप ऑर्डर के ऊपर बहुत प्रेशर आ जाएगा। तो इस चीज़ पे ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि 5 बॉलर भारत खिलाएगा और आपका 5वां गेंदबाज हार्दिक पांड्या है। इसीलिए मैं जब पिछली वनडे की बात कर रहे थे तो मैंने कहा हार्दिक पांड्या को सॉलिड बनना पड़ेगा, क्योंकि इस टीम का फलक्रम है वो। उनकी परफॉर्मेंस अगर अच्छा हो तो ऊपर वाला जो बैटिंग ऑर्डर और नीचे वाला जो बैटिंग ऑर्डर कुछ जुड़ के रहेंगे, तो वो बहुत क्रूशियल है भारत के लिए। इससे पहले आगे बढ़ूं मैं, आप अगस्त और सितंबर में, अगस्त में शुरू हो रही है और सितंबर तक सीरीज जा रही है। सितंबर बॉल्स हिलेगा, सीम होगा, दो टेस्ट मैच सितंबर में। तो ये एडवांटेज इंडिया को अगस्त में खेलने का एडवांटेज मिलेगा? देखिए अगस्त तो अगस्त अच्छे विकेट्स होंगे, पाटा विकेट्स होंगे, पहला टेस्ट बर्मिंगहम, दूसरा टेस्ट लॉर्ड्स। फिर मैं कहता हूँ कि डिपेंड करेगा कैसे कंडीशंस इंग्लैंड बनाते हैं। इंग्लैंड बेवकूफ़ होगा अगर पाटा विकेट्स बनाते हैं, जो मुझे नहीं लगता वो बनाएंगे। हेल्पफुल विकेट्स देंगे जिमी एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड को, और भारत के जो टॉप बल्लेबाज हैं उनको प्रेशर में लाएंगे। अगर मैं जो रूट होता तो मैं कहता था कि मुझे ग्रीन सीमर दो, क्योंकि मुझे विराट कोहली 10वें ओवर में अंदर चाहिए, मुझे विराट कोहली 25वें ओवर में नहीं, 30वें ओवर में नहीं, जब बॉल पुराना हो जाता है।
नया बॉल में आप जितनी बार विराट कोहली को अंदर लाओगे उतनी बार उनको आउट करने का मौका मिलेगा, क्योंकि नया बॉल ही होता है। शुरू में अगर आपने दोनों ओपनर्स को जल्दी आउट कर दिए और जल्दी विराट कोहली एक्सपोज हुआ तो इंग्लैंड के लिए फायदा है। और अगर गेंदबाजी की बात करें, आपके पास आपके हम 2007 की टीम और इस टीम की तुलना जरूर करेंगे, लेकिन इससे पहले गेंदबाजों की बात कर लूं। अगर आप तेज गेंदबाजों की बात करें, आपके पास शमी अगर फिट होकर टीम में लौटते हैं, स्किडी हैं, फास्ट हैं, एक गेंदबाज ईशांत शर्मा जो डेक को हार्ड हिट करता है, भुवनेश्वर कुमार स्विंग करता है, तो आपके पास वैरायटी है तेज गेंदबाजी में। और एक ऑकवर्ड गेंदबाज है जिसका नाम है बुमराह, जसप्रीत बुमराह, और सारे अंदर लेके आते हैं जी। तो ये आपका बॉलिंग फॉर्म कॉम्बिनेशन आपको क्या दिख रहा है? चार तेज गेंदबाज कंडीशंस के हिसाब से, बुमराह, भुवी अगर वो फिट रहे तो, ईशांत इस बार काउंटी क्रिकेट में खेला है, अच्छा परफॉर्मेंस, शायद ईशांत, उमेश यादव भी अच्छी गेंदबाजी की है, अच्छा फॉर्म में लग रहे हैं। तो ये मेरे पहले चार टॉप गेंदबाज होंगे, इसमें से तीन पहला में 11 में खेलेगा और हार्दिक पांड्या चौथा, और एक स्पिनर अश्विन हो या जडेजा हो, शायद अश्विन खेलेगा क्योंकि बैटिंग में थोड़ा सा वो डेप्थ लाते हैं भारतीय टीम में। तो ये मेरे अटैक है क्योंकि भारत पांच गेंदबाजों से खेलेगा ही खेलेगा, और दो स्पिनर से खेलना हुआ तो हार्ड करते हैं। अगर आपको सूखा विकेट मिले, हार्दिक ड्रॉप नहीं होगा क्योंकि फिर आपका बैटिंग, दो स्पिनर खिलाएंगे तब भी आप हार्दिक को नहीं ड्रॉप, आपका बैटिंग वीक हो जाता है, तब बुमराह, भुवी, हार्दिक और आपका दो स्पिनर। तो आप किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में आप हार्दिक को टीम में, इसीलिए मैं कहता हूँ ये इस टीम का ग्लू है, उसको अच्छा खेलना बहुत जरूरी है। और आप चाहेंगे कि कुलदीप फर्स्ट प्रेफरेंस हो, अगर चहल और कुलदीप दोनों टीम में होते तो आप अश्विन के साथ किसको पिक करते? टेस्ट में होंगे दोनों, मुझे होंगे नहीं लगता, लेकिन होंगे। एक सिचुएशन मान ली हमने, चहल नहीं होंगे, कुलदीप होगा, हाँ। लेकिन मुझे लगता है पहला टेस्ट में भारत अश्विन और जडेजा को ही खिलाएगा, या दोनों में से एक को खिलाएगा। अगर गैम्बल करना है तो कुलदीप को खिलाओ, देखते हैं क्या होता है, बट वो विराट कोहली करेगा कि नहीं वो समय ही बताएगा। और कुलदीप का वन डे परफॉर्मेंस भी एक हिंट होगा कि वो जाके टेस्ट मैच खेले या ना। लेकिन आपको लगता है कि कुलदीप ज्यादा सरप्राइज बॉलर है, मिस्ट्री बॉलर है, पिक करना मुश्किल है? बिल्कुल। तो कुलदीप अगर आप कप्तान होते फिर से, तो हो सकता है आपके दिमाग में ये थॉट आता, ये क्रॉस करती ये सोच कि अश्विन से पहले कुलदीप को खिला दो, भले आप अश्विन को खिला। मैं सीधा खिलाता अश्विन से पहले कुलदीप। अच्छा, बिल्कुल, अगर बाहर जाके जीतना है तो गैम्बल लेना जरूरी होगा, और पहला टेस्ट में ही लेना है। अगर कुलदीप चल गया, मिस्ट्री चाइनामैन, रिस स्पिनर, पाटे विकेट्स पे भी वो गेंदबाजी आउट कर सकते हैं, और उनका जो एक स्ट्रेंथ है ना, वो स्टंप टू स्टंप डाल सकते हैं राइट हैंड बल्लेबाज को, जो पैड पे लगे तो आप फंस सकते हो, कि जो लेग स्पिन गिरता है और गिर के अंदर की तरफ जाता है वो पैड पे भी लग सकता है जहाँ पे बॉल नहीं घूमा। क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि इंग्लैंड में एजबेस्टन में या लॉर्ड्स में सीधा टर्न होगा, पाँचवें दिन चौथे दिन टी के बाद टर्न होना शुरू होगा। तो ऐसे गेंदबाज आपको चाहिए जो थोड़ा सा अलग है, जो गुगली भी डाल सकता है, जो बैट्समैन देख के सोचे यार इस तरफ आएगा कि उस तरफ आएगा, वो डाउट डालना है बल्लेबाज के ऊपर। वाकई ये बात यहाँ पर आपको मैंने बताया था, शातिर भी और दिलेर भी। पहले मैच में अश्विन की जगह कुलदीप यादव होते, दादा कप्तान होते, तो मजा आ गया सुन के। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में तो हमने बहुत देखा है कि मेंटल गेम चलता है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चलता है पहले से, और मैदान में स्लेजिंग भी होती है। इंग्लैंड में ये कितना मायने रखेगा, ग्राउंड के अंदर की स्लेजिंग होगा? 2007 में जेली बीन्स हुए थे तो होगा, और होना भी चाहिए, थोड़ा सा दम से क्रिकेट होनी चाहिए, वो चुपचाप हेलो हाय गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग वाला क्रिकेट का टाइम गया है। तो दमदार क्रिकेट होगा, जब जिस ग्राउंड में विराट कोहली है, कहीं मिल जाऊंगा तो मैं उनको पूछूंगा वो हर विकेट के बाद जो फिस्ट है ना वो किसको दिखाते हैं। आप नोटिस करना टीवी में कि हर विकेट के बाद जो फिस्ट है वो किसको दिखाते हैं, वो मुझे उनसे पूछना। फिस्ट और जो बोलते हैं आपको समझ आ जाता होगा? बिल्कुल वो आपको समझ में आ गया। दादा 2007 और 2018 आप कमाल कर आए थे वहां पर, ओवल टेस्ट मैच भी जीत सकते थे, लेकिन ड्राविड थोड़े डिफेंसिव हो गए और उन्होंने उस टेस्ट मैच को जीतने की कोशिश नहीं की, इसलिए वो ड्रॉ हो गया। क्या एक जैसी टीम है? बॉलिंग बहुत जबरदस्त है उस टीम में, लेकिन दो लेफ्ट आर्मर थे आपके पास, वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, और दोनों ने बेहतरीन गेंदबाजी की थी। इंग्लैंड में लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट होगा, भारत में जो आप लेंथ डालते हो, ऑस्ट्रेलिया में जो लेंथ डालते हो वो लेंथ सही नहीं, ये छोटा है इंग्लैंड के लिए। इंग्लैंड में आपको सामने डालना पड़ेगा, अगर जब मैं पहुंचूंगा अगर विराट कोहली मिला तो उनको उनके लिए एक ही एडवाइस होगी कि जो आपके फील्ड प्लेसमेंट्स है ना वो सामने की तरफ लाओ, पॉइंट सामने, कवर सामने, मिड ऑफ सामने, मिड ऑन सामने और स्क्वायर लेग सामने, और आपके गेंदबाज को बोलो आगे डाले, इससे कि आपको स्विंग मिले, आपको आगे से सीम मूवमेंट मिले, क्योंकि विकेट आगे से ही मिलेगा। इंग्लैंड के लिए लेंथ बहुत ज़रूरी है, उस समय हमने डिसाइड किया था ये कि आगे डालना, इसीलिए फील्ड सामने लेकर आगे गेंदबाजी की है। इस अटैक में वो काबिलियत है, वो पेस है, और सबसे अच्छा चीज़ है वो अंदर लाते हैं गेंदबाज, तो पैड पे भी लग सकता है, विकेट पे भी लग सकता है। बुमराह, भुवी पिछली बार जब इंग्लैंड गया था अच्छी गेंदबाजी की, इस बार
और मच्योर्ड होके जाएंगे, और अच्छे गेंदबाज होके जाएंगे, और तेज़ गेंदबाज होके जाएंगे। बुमराह ने अच्छी गेंदबाजी की है तो भारत के पास, जैसा मैंने कहा, वो अटैक है, बैलेंस्ड अटैक है। इंग्लैंड को दो दफ़े आउट करना तो कड़ा मुकाबला होगा। 5 टेस्ट तो बहुत लंबा है, 5 टेस्ट में कोई एक जीतेगा, फिर अगला हारेगा, फिर वापस आएगा, फिर हारेगा। वो मोमेंटम भारत को रखना है, आखिरी तक इस सीरीज़ को लेके जाना है। ऐसा नहीं कि पहला मैच हार गया तो बिल्कुल पीछे चले जाए, ऐसा नहीं, मेंटली पीछे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये हार गया तो अगला आएंगे, तीसरा हार गया तो चौथा वापस आएंगे, फिर 5वें टेस्ट मैच तक लेके जाएंगे। और एक एक टेस्ट खेलना है भारत को, एक टेस्ट ख़त्म हुआ फिर दूसरा टेस्ट, और कंडीशंस के साथ अपनी टीम को खिलाना है। और मैं समझता हूँ इस टीम के पास वो काबिलियत है, अगर 450 रन बनाते हैं तो ये टेस्ट सीरीज भी भारत जीत सकता है। और इंग्लैंड के टीम को देखते हुए ऐसा लगता है कि बना सकते हैं, क्योंकि बॉलिंग अटैक कहीं ना कहीं, अगर हम जेमी एंडरसन की बात करें, स्टुअर्ट ब्रॉड की बात करें, क्रिस फोक्स पता नहीं खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, जो सबसे क्विक बॉलर थे उनके, तो ऐसे में बेन स्टोक्स भी हैं, लेकिन थोड़ी उनकी टीम ऐसी लग रही है कि वनडे और टी20 के मुकाबले टेस्ट में मैं नहीं समझता हूँ। बैटिंग वीक है इंग्लैंड का टेस्ट में, इंग्लैंड का जो नए बल्लेबाज है, बल्लेबाजी में उनने अच्छे रन नहीं बनाए, पाकिस्तान के सामने हारे हैं लॉर्ड्स टेस्ट मैच, और बैटिंग देख के लगता है कि थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस बैटिंग है। रूट और कुक दोनों सबसे ज़्यादा जो स्तंभ कहते हैं ना, पिलर, वो है उस टीम का, उनको अच्छा खेलना पड़ेगा। बेन स्टोक्स को अच्छा खेलना पड़ेगा, जो पाकिस्तान के सामने अच्छा खेला नहीं। तो मैं समझता हूँ कि इस टीम को, इंग्लैंड को टेस्ट क्रिकेट में हमारे जो गेंदबाज है वो पकड़ सकते हैं, वो पकड़ सकते हैं शुरू में नए बॉल पे, पुराना बॉल पे, और भारत के पास अच्छा मौका है। लेकिन लंबा सीरीज जब होता है आपको परसिस्टेंस रखना पड़ेगा, आपको वापस आने का वो जो दिलेरी कहते हैं, वो जो स्ट्रेंथ कहते हैं, मेंटल फिजिकल, वो आपको रखना है, और फिट रहना है तीनों गेंदबाजों को। लेकिन साफ है कि दादा की बातों से ये टेस्ट टीम इंडिया पास कर सकती है, भले ही ये बहुत लंबा टेस्ट है, 5 टेस्ट मैचेस का ये सीरीज है, लेकिन भारत 2007 में जो कमाल करके आई है, 10-12 साल बाद फिर से वो कमाल करके यहाँ पर लौट सकती है, और विराट एक बड़ा खिलाड़ी और एक महान कप्तान बनकर भी वहां से लौट सकता है। और ये दादागिरी लगातार इंडिया टीवी पर जारी रहेगी, दादा के साथ इंग्लैंड से लगातार हम पूरे मैच का विश्लेषण हम करते रहेंगे आपके लिए। दादा, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।